बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री निर्मलिनी भगवान की जय, बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी भक्त भली भांति जानते हैं कि जैसे मनुष्य दूसरों के साथ में बुरा करता है, उसे अपने करनी का फल कैसे भुगतना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। किसी के साथ में हमें बुरा नहीं करना चाहिए, उसे अपने करनी का फल इसमें इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भुगतान करना पड़ता है। दिन जैसे कि दिन और रात का जोड़ा होता है, इसके सिवा कुछ और भी देखा है। सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है तो शाम भी होती है, फिर रात हो जाती है, फिर रात हो जाती है जब मुर्दा हो जाते हैं। जब रात्रि में हम सोते हैं, बाहर निकलकर देखते हैं कि साय साय की आवाज़ सुनाई देती है, उस वक्त जो हमें बुरी चीज़ जैसे कि भूत प्रेत का पहरा होता है, आप सब देखते हैं कि उस समय जो बिल्ली की आंखों में रोशनी नज़र आती है, वह बहुत बुरी ड्रामी दिखाई देती है। बैल सारा दिन चलता है, उसी को भी रात में दिखाई देता है, आदमी एक मरे मुर्दे के समान हो जाता है। हमारी मनुष्य की सांस उस वक्त भी चलती रहती है, लेकिन उसमें जो शक्ति होती है ना, वह हरकत पैदा भी करती है जो दूसरे की ओर हमें खींचकर ले जाती है। परंतु जब सुबह होती है ना, हम जाग जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और उसकी तरह भी हम देखा देख काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना आदि करते रहते हैं। हम भगवान का स्मरण एक पल के लिए भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य काम करने में पूरा दिन ही बिता देता है, फिर हम मुर्दे के समान हो जाते हैं। जब मुर्दा हो जाता है, सब चिंता फिक्र गम सब खत्म हो जाते हैं, कुछ भी हमें दिखाई ही नहीं देता। अपनी अपनी करने का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना के साथ कहीं पर जा रहे थे, कहीं दूर चलते चलते एक रूढ़ी गंदगी का उसने ढेर देखा। वहाँ पर एक कुत्ता जिसके शरीर पर कई बुरे घाव थे, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ रहे थे। वे बेचारा दर्द के मारे उसकी बहुत बुरी दशा हो रही थी। बाला ने पूछा, महाराज ये मैं क्या देखता हूँ, इसकी यह दशा कैसे हो गई, बेचारा कुत्ता तड़प रहा है। तो उसके गुरुदेव ने बताया कि ये पिछले जन्म का इसे भुगतान ही मिला है। ये कुत्ता पिछले जन्म में एक साधु था, वह गरीबों से लूटता था, खसोड़ता था और बेमानी का पैसा इकट्ठा करता था। इसी के करनी का फल आज इसे भुगतना पड़ रहा है। उसी की करनी के फल स्वरूप इसी को कुत्ते की योनि मिली है। ये कीड़े के समान इसका खून पी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे पैसा ये बटोरा करता था, अब कीड़ा बनकर इसका खून पी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है कि प्यारे भक्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी से बेमानी का पैसा नहीं लेना चाहिए, किसी से एक कर्ज मूल भी नहीं वसूल करना चाहिए। प्यारे भक्तों, हमें अपनी करनी का फल जरूर भुगतना पड़ता है, या इस कर्म में या अगले जन्म में या पिछले जन्म में, पर हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। पर इंसान को पता नहीं होता, वह अपने कर्म कर बहुत ही खुश हो जाता है, पर उसे पता है, पर भगवान के सामने जाकर उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज की।